का खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे। होबड़ कोचों गाड़ाकोटी होबड़ कोचों गाड़ाकोटी और उसका प्रतिद्वंदी टीम सीरियन टेप्सी। ये दोनों टीम जो खेल रही है पहला गोल मारेगा एक खुशखबरी है, ये जानी थॉमसन है, जानी थॉमसन नावागांव की है, नावागांव के हैं ये निवासी और फुटबॉल के प्रति इनका भी काफी लगाव है। ये इनका ये दोनों में से कोई टीम का सपोर्टर्स नहीं है, दोनों जो टीम खेल रहे हैं इनमें से किसी भी टीम के सपोर्टर्स नहीं है, ये ना पठान मारा के ना ही सरंडा बॉस के, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से ये कमेटी में आकर अपना वक्तव्य दिए हैं जानी तामसो जी कि इन दोनों टीमों में से पहला गोल जो भी खिलाड़ी दागेंगे उनको मेरे ओर से 201 रुपया का इनाम, यानी कि जानी तामसो की ओर से नावागांव के जानी तामसो इनके ओर से 200 रुपया का इनाम। दोनों ही टीमों से किसी भी कोई भी टीम, ये किसी एकल टीम का सपोर्टर्स नहीं है, एकल टीम का सपोर्टर्स नहीं है। वही पेनल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी किसी भी टीम पर पहला गोल अगर रखते हैं तो उसको नगद 200 रुपया का इनाम दिया जाएगा। ये जानी तामसो जो कि नावागांव के हैं उनके तरफ से जानी तमसो जी आपका ये कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करती है क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कमेटी को सहयोग किया, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और खेल के प्रति आप स्वेच्छात्मक भावना रखते हैं, स्वेच्छा से दान करते हैं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। दोबारा ये कमेटी की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। याद रहे इन दोनों टीमों से जो भी खिलाड़ी पहला गोल किसी भी टीम के विरुद्ध करते हैं तो उनको नगद 200 रुपया का इनाम रखा गया है। और मैं चाहूंगा कि दो चार शब्द इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए दो चार शब्द माइक्रोफोन पर राजेश जी को आमंत्रित करूंगा, दो चार शब्द से इनका शुभकामनाएं दें। राजेश जी धन्यवाद सर। ये सरंडा एफसी की बात जहां तक करें, ये सरंडा आपके सुदूर इलाके से आई टीम मेरे कलीग मिस्टर अनिल बुड़ियोली के
द्वारा यह टीम यहां पर एंट्री किया गया है, उनको धन्यवाद। और पठानमार एफसी की टीम को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक के खेल में दोनों ही टीमें प्रथम चक्र में अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय चक्र में प्रवेश किए हैं। और इस वक्त दोनों ही टीमें एक गोल रहित बराबरी पर। और काफी अच्छा मैच होने की उम्मीद है, मौका लेकिन शानदार बचाव वहां पर डिफेंडर के द्वारा। और काउंटर आक्रमण की तैयारी, पठानमारा एफसी के खिलाड़ी अपने पास गेंद को रखते हुए, दो नंबर के खिलाड़ी अपने साथ के खिलाड़ी 14 नंबर के लिए गेंद, लेकिन गलत पास वहां। एक बार फिर पठानमारा एफसी 10 नंबर के खिलाड़ी अपने साथ के खिलाड़ी को तलाशते हुए, बैक पास अपने खिलाड़ी के लिए, राइट डिफेंडर। क्रॉस, लेकिन विपक्षी टीम ने अपने पास रखा है गेंद को। और आक्रमण की तैयारी, 21 नंबर के खिलाड़ी अपने साथ खिलाड़ी के लिए समानांतर पास, 11 नंबर के खिलाड़ी 3 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद, धीरे धीरे गेंद को ले जाते हुए दाहिने डी बॉक्स के अगल बगल, थोड़ा सा होल्ड अप प्ले और ये पंच किया थे गोल को, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से गोल कीप के लिए। मुर्गा बांधने वाले अपने अपने मुर्गा को तैयार करके रखिए, अभी समय हो गया है। बहुत ही सुंदर मौका यहाँ गोल होता हुआ इस बार। सरंडा एफसी 1-0 की बढ़त के साथ, 11 नंबर के खिलाड़ी सरंडा एफसी के, हैप्पी। और इनको 200 रुपया का इनाम मिस्टर आशीष तामसोई के द्वारा, जोनी तामसोई के द्वारा नवागांव, जोनी तामसोई नवागांव के द्वारा 200 रुपया का नगद पुरस्कार मिस्टर हैप्पी के लिए, 11 नंबर के खिलाड़ी।
हेलो, इसलिए अभी खेल करीब करीब समाप्ति की ओर जा रही है। इसके बाद थर्ड राउंड का खेल खेलने के लिए कोबरा कोचिंग आराकोटी और सीरियल पेप्सी चले आएंगे। आपको खेल समाप्ति के पूर्व ही हमारे समियाना पर यानी कि दूसरे नंबर का समियाना पर उपस्थित होना होगा। सीरियल पेप्सी वर्सेस कोबरा कोचिंग आराकोटी। अब दोनों ही टीमें खेल समाप्ति के पूर्व चले आएंगे। इस खेल के बाद सीरियल पेप्सी और होबड़ा कोचिंग आराकोटी, आपको बार बार कॉल किया जा रहा है, आपके पे चले आएंगे। सीरियल पेप्सी वर्सेस होबड़ा कोचिंग आराकोटी। अब दोनों ही टीमें हमारे हॉस्टल के कैंपस में है। आपको यथार्ड यह सेकेंड पंडाल पर बुलाया जा रहा है, मेडिकल फ्लोर पर आप चले आएंगे। सीरियल पेप्सी
ये थोड़ी सी चुके फटा मारा एफसी की ओर से किक हुई थी। अभी ये एक शून्य से पठान मारा पिछड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश बरकरार, किसी 1% तक भी उसके हौसले में कमी नहीं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। चंगारा कोटी और सीरियन पेप्सी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप चले आए। से ये अंतिम चढ़ पर मोमेंट बनाया हुआ था, लेकिन रेफरी की नजर एक फाउल किए हुए खिलाड़ी पर बनी थी और आप बच नहीं पाएंगे, गलत टिकल करेंगे तो आपको जरूर ही फाउल करार दिया जाएगा। अभी भी मौका है, इन वक्त पर अच्छा पास था लेकिन रिसीव सही नहीं, देखना होगा लास्ट मोमेंट है अब क्या कर पाते हैं। अभी भी मौका बना हुआ है, पटन मारा एफसी के लिए बड़ा डी बॉक्स में गेंद, दौड़ के जाना चाहेंगे खिलाड़ी। सुंदर ड्रिब्लिंग के साथ 17 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं जो सरंडा एफसी के हैं, पास किए हुए हैं 11 नंबर के लिए। अच्छा चकमा लेकिन नहीं चुकेंगे, डिफेंस सतर्क का पास किए हुए समानांतर पास खेलना चाहेंगे। सुंदर तालमेल करना जा रहा है इस वक्त पेश करता हुआ पठान मारा, अभी भी मौका है, ये सेंट्रल लाइन के आसपास से मूव बनाना चाहते हैं अभी 8 नंबर के लिए, ये देखेंगे। सुंदर सुंदर सचिव, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यह चकमा चुके और इस तरह से अंतिम मौका मिलेगा कॉर्नर किक के रूप में। पठान मारा एफसी, कॉर्नर हल्की सी कॉर्नर किक किए हुए हैं पठान मारा के खिलाड़ी, लंबे समय तक गेंद को अपने कब्जे में रखना चाहेंगे क्योंकि उनको गोल भी बराबर ही करना है। अभी भी मौका है, ये सीटी बजती हुई